में रहता है ना, हमारे पैरों के पास आता है, यू क्लैंप जैसा रहता है। तो ये यू क्लैंप को हम क्या करते हैं, ऐसे उठाते हैं और उसके बाद में सीट एडजस्टमेंट करते हैं। अब आप देखेंगे ज्यादा करके लोग किस तरह से इसको एडजस्टमेंट करते हैं, एक हाथ स्टीयरिंग पे रहता है, एक हाथ दोनों पैर के ये कॉर्नर पे या नहीं तो ये कॉर्नर से हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे होता ये है कि आप जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं एडजस्ट तो हो जाएगा, लेकिन चंद दिन के बाद में क्या होता है, इसकी जो लॉक सिस्टम जो रहती है इस तरह की, ये खराब हो जाती है। क्योंकि जब इस यू क्लैंप को आप जब ऊपर उठाते हैं तो दोनों कॉर्नर में यहाँ पे और यहाँ पे इसका लॉक सिस्टम होता है इस तरह से। जब आप उसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो ये पूरा ऐसे बाहर आता है। उसके बाद जितना आपको हाइट एडजस्टमेंट चाहिए उसके बाद छोड़ने के बाद इस तरह से मिलता है। और जब ब्रेक करते हैं हम लोग तो यही लॉक इसको रोक के रखता है ताकि सीट पीछे ना जाए। तो जब कभी भी हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो इसको कैसे करना चाहिए, जब सीट एडजस्ट कर रहे हैं आगे और पीछे तो इसका आवाज नहीं आना चाहिए। जो आवाज आती है ना एक हैंड ब्रेक खींचने के टाइम पे जैसे आवाज आती है वैसे आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसे ही आप चंद दिन तक ऐसे ही करोगे तो क्या होएगा, ये जो टीथ रहते हैं जहां पे बैठ रहा है ये घिस जाते हैं। ये घिस जाने की वजह से क्या होता है, लॉक तो होएगा लेकिन जब आप फोर्स से जब ब्रेक करोगे तो इसमें से ये स्लिप हो जाएंगे, तब तुरंत पीछे चली जाती है। तो एडजस्ट करने का तरीका क्या है, इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से नहीं करना है। कैसे करना है हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि क्यों कॉर्नर से हमें इसे एडजस्ट नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग घर पे लैपटॉप यूज करते हैं, सबको पता है ना 90% लैपटॉप को ओपन कर कैसे करते हैं हम जल्दबाजी में, यहां से उठा देते हैं है ना, या तो ये कॉर्नर से उठा देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहां से हम उठा रहे हैं, ये कॉर्नर पूरा लास्ट तक उठाया ना, अब दूसरी तरफ देखो नहीं उठाए। तो सीट एडजस्टमेंट का भी ऐसे है, अगर ये कॉर्नर से उठाओगे तो ये अनलॉक होएगा, ये नहीं अनलॉक होएगा, तब वो क्या होगा, रगड़ेगा उसके अंदर, तब वो जो टीथ होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो कैसे हम इसको एडजस्ट करना चाहिए, दोनों कॉर्नर से नहीं सेंटर से हमें उठाना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको भी देखेंगे, अब ये हम यहाँ सेंटर से उठा रहे हैं तो देखो दोनों साइड से जितना उठना है उतना उठा है और कभी ये खराब नहीं होगा। अगर आप लैपटॉप का देखेंगे तो एक साइड का इंजेस्ट टूट जाएगा, अगर आप यहां से यूज कर रहे हैं उठाना तो इस तरफ का इंजेस्ट टूट जाएगा, इसी तरीके से आप यहां से यूज कर रहे हैं तो इस तरीके का यहां का इंजेस्ट जो भी रहेगा वो टूट जाएगा, यानी जो भी टीथ रहेंगे वो घिस जाएंगे, उसके बाद में जो है ना एडजस्टमेंट सही नहीं होगा। अपनी हाइट के हिसाब से हाइट एडजस्टमेंट कर रहे हैं आप, सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं हो रही, हमारी हाइट के हिसाब का लेफ्ट कितना लेंथ में है वो एडजस्ट कर रहे हैं, हाइट एडजस्टमेंट आपकी हाइट से पैडल्स को आपके पैर को कितना गैप होना चाहिए, ये हाइट एडजस्टमेंट अलग है, अप एंड डाउन है, उसको हाइड्रोलिक सिस्टम आता है, उसको पंप करेंगे तो वो ऊपर उठता है, फिर डाउन करेंगे तो वो नीचे जाता है, वो सीट हाइट एडजस्टमेंट है, ये आपकी हाइट एडजस्टमेंट है आगे और पीछे। तो क्या बोले गाड़ियों में ना, मारुति 8 मारुति न्यू स्विफ्ट में है और डिजायर में है, ब्रीजा में है, कपट मॉडल्स में आते हैं, आपको यहाँ से हाइड्रोलिक पंप ऐसे करेंगे तो आपको सीट ऐसे ऊपर उठेगी, फिर डाउन करेंगे तो डाउन होगी, है हाइट एडजस्ट सीट हाइट एडजस्टमेंट है आपकी, हाइट एडजस्टमेंट जो इस तरह से करना है ये आपको अभी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जब करेंगे तो इसको किस तरह से करना है, ओके तो यू क्लैंप से आप यहाँ पे उठा दिए हैं, उठाने के बाद में जितना आपको आगे चाहिए, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कभी डोर का हैंडल पकड़ लेते हैं, कभी यहाँ डाइट बोर्ड में पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे व्हील देख रहे हैं ना, स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील का जहां पे रेड मार्क लगा है आपको वहां पे आपको एक हैंड से पकड़ना है, आपको चाहे आप लेफ्ट हो या राइट जो भी पकड़ रहे हैं इस तरह से पकड़ना है सामने की तरफ, और अपने दोनों पैर को बॉडी के ऊपर मतलब फ्लोर के ऊपर सही से जमा के रखना है और यू क्लैंप को पूरा कंप्लीट ऊपर उठाना है लास्ट तक, जस्ट ज्यादा आपको प्रेशर लगाने की जरूरत है, जस्ट ऐसे उठाएंगे तो रुक जाएगा, वहां जहां तक आना है वहां तक आके रुक जाएगा। उसके बाद आपको जितना चाहिए इस तरह से आपके दोनों पैर पे वजन रख के आगे की तरफ ले लो और पीछे की तरफ ले लो, आपको जितना कंफर्ट लग रहा है उतना रख के इसको छोड़ दो, छोड़ने के बाद ही भी फिर एक बार उसको ऐसे हिलाना है ताकि ये अगर अनलॉक
करने के बाद में लॉक हुआ है या नहीं, बैठा है या नहीं बैठा है देखने के लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमको लगता है कि लॉक हो गया लेकिन लॉक नहीं होता है, फिर आधे रास्ते जाने के बाद पीछे आ जाता है। इसके लिए छोड़ने के बाद में भी एक बार फिर से ऐसे चेक करना है कि सही सेट हुई है कि नहीं हुई है। जब अगर सेट हो गई तो अब हमें कैसा पता चलेगा कि हाइट एडजस्टमेंट कैसी हुई है, अगर हमारे लेंथ हमारे पैर को और क्लच को कितना कंफर्ट होना चाहिए हमारा लेफ्ट लेग। ओके, लेफ्ट लेग एक सेट करेंगे तो राइट आपको ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो लेफ्ट लेग जब आप सेट कर रहे हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, लेफ्ट लेग को क्लच कैसे दबाते हैं, ये जो हील होती है हवा में रख देते हैं ऐसे ऊपर ऐसे दबाना, ये गलत है। ठीक है, और थोड़े लोग क्या करते हैं पूरे पैर को आगे ले जाते हैं ऐसे, ये भी गलत है। करना कैसे चाहिए, हील उसी जगह पे होनी चाहिए, क्लच यहां है तो हील एकदम यहां नीचे होनी चाहिए, यहां से ये हील नहीं हटना है आपको, इस जगह से क्लच को इस तरह से दबाना है। ठीक है, उसके बाद यहीं से रिटर्न आ रहा है, पूरा नहीं करना है। अब जब आपका लेफ्ट लेग पूरा नीचे फ्लोर तक जाके फिर वापस ऊपर तक आ रहा है तो आपकी हाइट एडजस्टमेंट क्लच के साथ सही है, यानी आप सेट करने के बाद में क्लच दबाने के टाइम पे लास्ट में जाने के मोमेंट में अगर आप ऐसे हो रहे हैं तो सही है एडजस्टमेंट, सही नहीं है। फिर क्या करना है, वन स्टेप और थोड़ा आगे को करना है, एक स्टेप या दो भी स्टेप जो भी करना है आपको आगे करना है। तो हमेशा हमारा लेग इस तरह से फ्री नीचे तक जाके ऊपर तक हमें आना है, ये हमारी हो गई है हाइट एडजस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि आपसे पहले जो भी बंदा चला के उतरा है गाड़ी, छोटा हो सकता है या आपसे लंबा हो सकता है, तो उसकी हाइट एडजस्टमेंट अपने हिसाब से वो करके रखता है गाड़ी। तो हम जब कभी भी बैठ रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग हम सेट करके जो है ना गाड़ी को आगे को निकालना है। ये हो गया हमारी हाइट एडजस्टमेंट लेग के लिए। ठीक है, अब हैंड्स के लिए चाहिए, तो स्टीयरिंग से कितना दूर पे हम होना चाहिए और कितना कंफर्ट स्टीयरिंग होना चाहिए, इसको हम कैसे सेट करना है। ये जो बैक रेस्ट है आप देखेंगे, इसको उठाएंगे तो ये बैक रेस्ट आगे पीछे होते रहता है ना, अगर आप उसको उठा देंगे तो आपको आगे की तरफ धकेलेगा। ठीक है, आपको जितना चाहिए फिर पीछे की तरफ ऐसे करके उसको छोड़ देंगे तो फिर वो एडजस्ट हो जाएगा। तो आप इसको कैसे करना है, फिर एक बार स्टीयरिंग को देखिए आप वहां पे, तो नीचे वाला हिस्से से आपके दोनों हाथ ऊपर की तरफ आ रहे हैं, दोनों हाथ ऐसे नीचे पकड़ो और यहां से जब हाथ ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो आसानी से हाथ मिलने चाहिए, तब आपके स्टीयरिंग के और आपके बीच में जो हाइट है आपके लेंथ के हैंड के लेंथ के हिसाब से वो एडजस्टमेंट सही है। नहीं, आप यहां आने के बाद आगे की तरफ आ रहे हैं तो फिर बैक रेस्ट आपका सही नहीं है। क्या करना है, एक स्टेप और बैक रेस्ट को आगे की तरफ करना है। अब ये क्यों इस तरह से हमें सेट करना है, अब आप देखो स्टीयरिंग चलाने के टाइम पे हमें पूरा घुमाना है ना, यानी ये हाथ लाके इस हाथ को देना है। अब यहां हम दूर बैठ के चला रहे हैं, एक लेफ्ट टर्न मारना है, यहां आने के बाद अगर हाथ यहां से छूट रहा है तो क्या होएगा, क्योंकि लेफ्ट दूर है नहीं पहुंच पाएगा, तब क्या होएगा, आधी घूमे वाली गाड़ी क्या होगी, जब हमारा हाथ छूटेगा तो उसी फोर्स से बाजू वाली गाड़ी को मारेगी या बाजू पैदल चलने वाले को, क्योंकि आधा स्टीयरिंग घूमने के बाद छोड़ दोगे तो वापस इस तरफ आ जाता है, देखते हैं ना, चलाने के टाइम पे हम आधा घुमा के छोड़ देंगे तो फिर वो वापस इसे ढकेल देता है। इसके लिए हमें क्या करना है, हाइट एडजस्टमेंट इस तरह से कर लेना है। ये हो गया हमारा हाइट एडजस्टमेंट। अब यहां पे आप देख रहे हैं, क्योंकि जब स्टीयरिंग घुमाते हैं आप तो अगर ज्यादा नजदीक रहेंगे तो अनकंफर्ट रहेंगे, आप घुमा नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर ज्यादा दूर रहेंगे तो हाथ छूट जाएगा, ये दोनों सूरतों में क्या होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, क्योंकि एक टर्न लेना है आप नहीं घुमा पा रहे हैं तो फिर सीधे जाके लड़ जाएगी गाड़ी। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये हेडरेस्ट, बहुत से लोग क्या करते हैं ये हेडरेस्ट को निकाल फेंकते हैं, इनसे पूछ लें कि भाई आपने हेडरेस्ट क्यों निकाला है, ये बोलेंगे मैं जब रिवर्स ले रहा हूं तो मुझे दिख नहीं रहा है पीछे का, तो इसको ऊपर उठा दो, ऐसे ये बीच के हिस्से से आपको दिखता है पीछे का हिस्सा जो भी है, और पीछे का जो हेडरेस्ट है, पीछे की सीट का जो हेडरेस्ट है उसको भी ऊपर उठा दो, उसके बीच से दिखता है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं ये निकाल देते हैं। क्या आपको पता है अगर हेडरेस्ट आप निकाल देंगे तो आपकी जान जाएगी, हेडरेस्ट से जान जाने का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है इसको, तो आप देखेंगे एक रोड एक्सीडेंट होता है तो हम जितनी फोर्स से गाड़ी को आगे ठोकते हैं उतनी फोर्स से आप सामने की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वापस क्या होता है, उतनी फोर्स से हमारा सीट बेल्ट हमें पीछे खींचता है, तब क्या होता है
ये जो बॉडी का जो बैक रेस्ट है, ये बैक रेस्ट आपकी बॉडी को यहाँ रोक देता है, और जब हेड रेस्ट नहीं होने की वजह से क्या होता है, ये पीछे की तरफ मार के नेक के बोन जो रहते हैं टूट के आदमी वहीं पे मर जाता है। उसको एक स्क्रैच भी नहीं आएगा, कहीं ब्लड भी नहीं आएगा, लेकिन उसकी जान चली जाएगी। तो इसके लिए देखो बहुत से ब्रांडेड कंपनीज क्या करते हैं, हेड रेस्ट नहीं निकाले जैसे इनबिल्ट दे देते हैं उसमें, और बीच में एक होल देते हैं ताकि वो पीछे की तरफ देखे। देखें ना, ब्रांडेड कंपनी वाले निकाल नहीं देते हैं इसको। तो इसी हिसाब से आप देखेंगे कि ये हेड रेस्ट आपको, एक तो अभी मैं बताया ना आपको कि आगे की तरफ जाते हैं और पीछे की तरफ हमारे नेक ऐसे मारने की वजह से नेक के बोन्स टूट के जान चली जाती है। दूसरा, दो किस्म से आपकी ये जान बचाता है, जैसे आग लग गई, गाड़ी पलटी मार ली, पानी में चले गई, है ना। तो फिर इससे हम कैसे बचना है, अब ये तीनों सूरतों में क्या होता है कि गाड़ी के विंडो साइड डोर्स लॉक हो जाते हैं, चाहे गाड़ी ठुक जाए, ठीक है, यानी गाड़ी पानी में गिर जाए, या गाड़ी पलटी मार जाए, या गाड़ी में आग लग जाए। तो ये हमें पता कैसे चलता है कि जैसे आग लग रही है, अब आप पीछे की तरफ पलट के देखेंगे यहाँ पे वार्निंग साइंस है। जब कभी भी आप गाड़ी चला रहे हैं, रनिंग गाड़ी में आपको ये तीन लाइटें जलनी नहीं चाहिए, ये कि ये हार्मफुल लाइट्स हैं, वार्निंग इंडिकेशन है ना, ये तीनों भी हार्मफुल है जो कि हमारी जान जा सकती है, ये तीनों लाइटों। तो जब हम कार स्टार्ट करते हैं ये लाइटें जलनी चाहिए, स्टार्ट करने से पहले जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये सारी लाइटें चली जानी चाहिए, ठीक है। ओनली आपको कौन सी, ये लास्ट कॉर्नर वाली लाइट रहेगी, जब तक आप हैंड ब्रेक नहीं डाउन करेंगे, हैंड ब्रेक डाउन होने के बाद ये सारी चले जाने, जीरो जीरो हो जाना चाहिए, कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ही गाड़ी आगे चले। चलती गाड़ी में आपको इसमें से कोई भी एक साइन दिख रहा है तो आप तुरंत गाड़ी रोक देनी चाहिए, नहीं चलाना है आपको, बहुत हार्मफुल है, जिससे हमारी जान सकती है, आग लग सकती है गाड़ी। तो अगर आपको ये वार्निंग साइंस आ रहे हैं तो आप गाड़ी साइड में रोक दें और तुरंत गाड़ी से उतर जाएं, वरना आपका बेल्ट भी लॉक हो जाएगा, उसके बाद विंडोज एंड डोर्स लॉक हो जाएंगे, उसके बाद अंदर आपको स्मोक आ जाएगा और फायर भी टोटली आता है। बहुत से लोगों को पता नहीं चलता है कि भाई इतना तुरंत फायर कैसे आया है गाड़ी के अंदर। अब आप देखेंगे ज्यादा करके आग जो लगती है, अभी समर स्टार्ट हो रहा है, एसी की वजह से होती है, एसी का जो गैस होता है यानी तो उसका जो सिलेंडर होता है ब्लास्ट होने की वजह से उसको फायर पकड़ के कार के अंदर फायर आ जाता है। तो 1 or 2 मिनट्स रहता है आपको कुछ भी करके बाहर निकलने के लिए। जैसे विंडोज एंड डोर्स लॉक हो गए हैं तो आपको सबसे पहले ये करना है कि बेल्ट को छुड़ाना है, बेल्ट को निकाल देना है, उसके बाद ये हेडरेस्ट को आप इधर, यहाँ एक बटन रहता है, इसको खींच के बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह से हो जाता है, ये दो रॉड रहते हैं, ठीक है। ये कुशन की तरफ आप ऐसे पकड़े और उसके बाद जो भी ग्लास से आप आसानी से बाहर निकलना चाह रहे हैं उस तरह से तोड़ के आप तुरंत बाहर निकल सकते हैं। अगर आप बेल्ट को नहीं छुड़ाओगे तो बेल्ट लॉक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, थोड़ी ब्रांडेड कंपनीज क्या करती हैं, अपनी पैसेंजर सेफ्टी के लिए सेफ्टी टूल करके एक देती हैं। ये सेफ्टी टूल होता है, इससे दो चीज होते हैं, एक तो अपना सीट बेल्ट को काटती हैं, ये जैसे अभी हमारा सीट बेल्ट लगा हुआ है, इस जगह पे रख के इसको ऐसे करेंगे, ये देखो सीट बेल्ट को कट कर दी, ठीक है, नायलॉन रहता है ना, ऐसे करेंगे तो काट देती है। दूसरी चीज ये होती है कि हमें यहां जो भी शीशे से आप बाहर निकालना चाह रहे हैं उसको लगा के उसके बाद आप उसको पीसेस पीसेस करके वहां से आप बाहर आ सकते हैं। तो ये अगर आप दूसरी कोई गाड़ी लिए हैं, अगर वो गाड़ी में ये फैसिलिटी नहीं है तो आपको ये ऑनलाइन में मिलता है, सेफ्टी टूल है ये, तो आप सर्च करेंगे तो ये साइजेस भी मिलते हैं, आपको छोटा चाहिए तो छोटा है, बड़ा चाहिए तो बड़ा है, तो ये। और इसको कहाँ रखना चाहिए हम लोग, बैक स्टोरेज में पीछे कहाँ होना चाहिए, जहां आसानी से आपको हाथ पहुंचे और वो मिले, क्योंकि कौन सी भी सिचुएशन में आपको मिले। बहुत से लोग खरीद के क्या करते हैं, पीछे फेंक देते हैं, यानी लेफ्ट साइड के टोल बॉक्स में डाल देते हैं, तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, बेल्ट लगा रहेगा आप पहुंच नहीं पाएंगे। कहाँ होना चाहिए आपका हाथ, जहां आसानी से पहुंचे। आसानी से कहाँ कहाँ पहुंचता है हमारा हाथ, एक तो लेफ्ट साइड की जो सीट होती है उसके जिप में, पीछे जो जिप आता है ना सामान रखने के लिए, वहां रख सकते हैं, या नहीं तो आपके नीचे सीट के नीचे, ठीक है। दूसरा, जहां बॉटल गार्ड आता है राइट साइड में, वहां, यानी आसानी से आपको मिले ताकि तुरंत आप जो है ना शीशा तोड़ के आए। अगर पानी में भी गाड़ी गिर जाए
गिर जाएगी, तो पानी में जब गाड़ी गिरती है तो इंजन बहुत वेट रहता है ना, तो सामने की तरफ से ऐसे गिरती है गाड़ी, ठीक है। तो आप या पीछे के शीशे से या आपके साइड वाले शीशे से बाहर निकल सकते हैं। जो भी रोड एक्सीडेंट होता है, जैसे गाड़ी ठुकती है, पलटी मारती है, आग लगती है, तो विंडोज एंड डोर्स लॉक हो जाते हैं। तो हमें दूसरा कुछ कोशिश नहीं करना चाहिए विंडोज खोलने की या उतारने की, तुरंत शीशा तोड़ के बाहर निकलना एक ही तरीका है, ठीक है। इस हिसाब से हमें बाहर निकलना है। नेक्स्ट, इस चीज में आपको कोई डाउट है तो पूछिए, मैं बता देता हूं। अब यहां पे जो एक ही साइड से सीट एडजस्टमेंट करने का जो सिस्टम दिया है, वो कंपनी वाले ने एक ही लिवर से दोनों तरफ एडजस्ट करने का दिया। इस तरह की भी अगर आपको कभी ड्राइव करने के लिए गाड़ी मिल गई, तो भी आप एक साइड से सेट करने के बाद में उसको छोड़ के एक बार हिला के चेक कर लेना है कि लॉक हुई है कि नहीं, दोनों की। अभी यू क्लैंप में भी आप वैसे ही करना है, बाकी चीजों में भी इसी तरीके से करना है। दूसरी चीज आप देखेंगे सेकेंड इमेज में, सीट बेल्ट। अब सीट बेल्ट लगाने और निकालने का दोनों तरीका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सीट बेल्ट अगर नहीं लगाओ, सही से लगाओगे या नहीं तो सही से नहीं निकालोगे, तो आपकी आंख नाक टूट सकती है। तो किस तरह से हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो कभी कभी हमारे हाथ की बोन भी जो है ना फ्रैक्चर हो सकती है। अब ये सीट बेल्ट जो है आपको देख रहे हैं, यहाँ पे सीट बेल्ट का एक हार्ड मेटल होता है, जो भी आप देख रहे हैं वो कितना वजन रहता है देखें, तो वो कभी कभी क्या होता है यहाँ लग जाता है। क्यों लगता है हमें भी नहीं पता रहता है, क्योंकि पता नहीं होने की वजह से लग जाता है। आप ये लगाने का तरीका और निकालने का तरीका किस तरह से, सबसे पहले तो हमें कुश्ती नहीं लड़ना चाहिए। अगर आप धड़ल से खींचोगे तो क्या होगा, वो लॉक होगा। यानी झटका मारने का मतलब क्या है, एक्सीडेंट होना है ना। तो कभी भी इसे ऐसे नहीं खींचना है, धीरे से खींचना है इसे, और यहां तक लाओ, इसको होल्ड करो, फिर एक बार खींच, तो क्या हो रहा है बहुत बड़ा आपको आ जाएगा, और ये बकल आप कहां जितनी दूर ले जाना चाह रहे हैं ले जा सकते हैं, है ना। ये पहुंच नहीं पा रहा है करके हम उसको कुश्ती लड़ते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, एक बार खींचे, यहां पे होल्ड किए, एक और बार खींचे तो ये बड़ा आ जाएगा, उसके बाद यहां लग जाए। तो सीट बेल्ट किस तरह से होना चाहिए, वी को अगर आप इस तरह से क्रॉस करेंगे तो इस तरीके का होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके नीचे से डालते हैं, ये जो बेल्ट आता है यहां से, इसको नीचे से डालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप सेटिस्फेक्शन के लिए लगाए हैं लेकिन आपकी जान नहीं बचा सकता है, क्योंकि जब थुकेगी गाड़ी तो सीधे सीधे जाके आप स्टीयरिंग पे लगोगे। तो कहां से होना चाहिए, वो इस जगह से होना चाहिए। जो बंदे इस तरह से लगाते हैं उनको पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे, भाई यहां रब कर रहा है, तो नायलॉन का होता है ना, यहां लग रहा है बोलते हैं। तो आप क्या कॉलर के नीचे रख दो, अगर लेडी चला रहे हैं तो क्या करना है, चुन्नी के नीचे रख दो, या नहीं तो अगर नॉर्मल जिनके पास कॉलर नहीं है, जिनको चुन्नी नहीं है, वो लोग कैसे करना है। हम क्लॉथ यूज करते हैं कार में, एक इनसाइड क्लीनिंग करने के लिए जो कि क्लीन होता है, साफ होता है, एक बाहर साफ करने के लिए, दो क्लॉथ रखते हैं। इनसाइड वाला क्लॉथ आप यहाँ पे फोल्ड करके लगा दो, क्योंकि आप जान से खेल रहे हैं अगर बेल्ट नहीं लगा रहे हैं तो, है ना, इस तरह से लगाना है। अब देखो जब ये वी बनता है इस तरह से, तो इस बीच में से आपका हाथ रहता है यहाँ पे स्टीयरिंग के पास, करेक्ट। तो जब आप यहाँ बटन दबाओगे तो कहाँ निकलेगा ये, वो बकल सीधे आके यहाँ ठोकेगा। तो ये इस जगह में आपको तो पता है अगर मार लगेगी तो हाफ एन आवर तक हाथ काम ही नहीं करता है, इस जगह पे लगेगी, और इतना डेलिकेट रहता है यहाँ पे आपको बोल के, ये फ्रैक्चर होने के भी चांसेस होते हैं। तो हमें किस तरह से निकालना चाहिए, फिर यहां से सीट बेल्ट उठाओ, इस तरह से होल्ड करो इसको और बकल को दबाओ यहाँ पे, वो अनलॉक हो जाएगा और हाथ से साइड में डाल दो और वो अपना अंदर की तरफ खींचता रहेगा, ठीक है। ये हो गया सीट बेल्ट का, इसमें कोई डाउट है, नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टीयरिंग। अब हम पूरी कार अच्छी चलाते हैं लेकिन स्टीयरिंग बैलेंस नहीं आता, गियर डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, स्टीयरिंग बैलेंस नहीं आता। इंस्ट्रक्टर आपको बताते हैं कि भाई स्टीयरिंग बैलेंस सही से करो, दूर देख के चलाओ। तो सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि हमें कि स्टीयरिंग किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए। अगर लेफ्ट जा रही है तो गाड़ी कैसे राइट में आके सीधी होगी। आप कार के चार टायर जो होते हैं, पीछे के टायर
हमेशा स्ट्रेट रहते हैं, ये राइट या लेफ्ट नहीं होते। ओनली जो ये सामने के टायर ही गाड़ी को लेफ्ट या राइट ले जाते हैं या स्ट्रेट ले जाते हैं। तो लेफ्ट गाड़ी जाना है तो ये जो टायर हैं, ये टायर से सीधे जो टायर रहते हैं वो ऐसे क्रॉस होते हैं। किधर जा रही है गाड़ी? लेफ्ट को जा रही है। फिर अगर ये इन टायरों को, क्रॉस हुए वाले टायरों को पीछे के टायरों से स्ट्रेट करेंगे तो गाड़ी कैसे जाएगी? स्ट्रेट जाएगी। ओके, फिर ये अगर राइट हो रहे हैं तो फिर राइट जा रही है। अगर हमारी गाड़ी स्ट्रेट जाना है तो क्या करना है? पीछे दोनों टायरों से स्ट्रेट करना। ये कैसे होएगा? ओके, तो गाड़ी हम चला रहे हैं, गाड़ी चलाने के टाइम अगर गाड़ी लेफ्ट जा रही है तो हम लोग क्या करते हैं? राइट कर देते हैं। फिर वो क्या करती है? राइट जाने लगती है। फिर लेफ्ट करते हैं, फिर लेफ्ट जाने लगती है। तो यहां राइट लेफ्ट नहीं करना है, क्या करना है? सेंटर करना है। यानी टायरों को इस तरह रहेगा तो ये पीछे के टायर से स्ट्रेट करना, तभी गाड़ी स्ट्रेट जाएगी। अगर राइट में है तो सेंटर करना है, फिर राइट में जाएगी। तो ये सेंटर आया है क्योंकि हमें कैसा पता चलेगा? जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो ये फिंगर को अंदर की तरफ नहीं रखना है, बाहर की तरफ रखना है। ठीक है, इस तरह से हम ड्राइव कर रहे हैं, अभी हमारी कार स्ट्रेट जा रही है, चारों टायर स्ट्रेट है, कार स्ट्रेट जा रही है। थोड़ा दूर जाने के बाद में हमारी कार लेफ्ट ले रही है, तो देखो ये फिंगर क्या हुए हैं? टेढ़े हुए हैं। हम आपको सीधे करना है, स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, फिर जाने के बाद फिर लेफ्ट हो रही है, फिर इसको सेंटर करना है। तो अब ये इसको देख के नहीं चलाना, ये तो हमें पता चलने के लिए है। आप डायरेक्ट सामने भी देख रहे हैं तो आपको ये फिंगर्स दिखते रहते हैं, है ना? अगर आप सामने भी देख रहे हैं तो ये दिख रहे हैं आपको, ऐसे हो रही है तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हो रही है तो ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अब सामने कहां तक देखना चाहिए, मेन चीज वही है, वहां कोई गड़बड़ होती है। अब कार आप ड्राइव कर रहे हैं तो इस व्यू से आप जब देखते हैं तो आपको 90 डिग्रीज का व्यू दिखता है ना, ये विंडशील्ड से आपको 90 डिग्रीज। ये 90 डिग्रीज में तीन पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट 90 डिग्रीज होता है, एक स्ट्रेट 90 डिग्रीज होता है, और इधर राइट भी 90 डिग्रीज होता है। ठीक है, अब जब आप स्ट्रेट देख रहे हैं तो आपको एक व्यू बनेगा कि कार स्ट्रेट जा रही है, कार टर्न ले रही है तो फिर लेफ्ट का बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखेंगे आप, बहुत से लोग क्या करते हैं कार ड्राइव करने के टाइम पे यहां देख के चलाते हैं, यहां देख के चलाओगे तो कार सीधी नहीं जाएगी, लॉन्ग व्यू देखना है। जितना लॉन्ग व्यू देखेंगे कार उतना स्ट्रेट जाएगी। और बहुत से लोग यहां गलती क्या करते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं, जैसे आपको बोलेंगे कि भाई आप लॉन्ग व्यू देखो तो एक जगह पे पॉइंट बना देते हैं और वहां जाने तक अच्छे से उसको देखते हुए कार को सीधे ले जाते हैं, वहां जाने के बाद में वो नजदीक हो जाता है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जाना स्टार्ट होता है। तो आपकी कार अगर स्ट्रेट जा रही है, आपने व्यू बनाया है, तो वो व्यू भी सामने जाना चाहिए। जैसे जैसे कार जा रही है वो भी आगे बढ़ना चाहिए, जैसे आपकी कार जा रही है आप भी अपनी नजर को आगे ले जाना है, लॉन्ग व्यू देखते हुए गाड़ी को चलाना। एक पॉइंट नहीं बनाना है, जहां पे पॉइंट बनाओगे तो वहां तक सही जाएगी, उसके करीब जाते के ऐसे ऐसे करेगी, क्योंकि आपको विजन नहीं दिखेगा, उसको देखते रहेंगे आप। तो ये 90 डिग्रीज में विजन को भी आगे ले जाते रहना है और आपकी कार भी आगे जाते रहना, तभी आपकी गाड़ी जो है ना स्ट्रेट जाती रहेगी। और जितना लॉन्ग व्यू देखेंगे उतना स्ट्रेट जाएगी गाड़ी। और शॉर्ट व्यू कब देखना है हमें? टर्निंग पे। जैसे आप आ गए हैं, आगे से टर्निंग है, लेफ्ट इंडिकेटर आपने डाल लगाया है, अब जैसे कि टर्न ले रहे हैं तो आपको शॉर्ट व्यू देखना है। क्यों शॉर्ट व्यू देख रहे हैं? साइड में कोई कार पार्क किया है या बाइक पार्क किया है, कोई ठहरा है, पत्थर है, टर्निंग के पास में डिवाइडर है या झाड़ है, पेड़ है, खंबा है, ये सारी चीजें देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? शॉर्ट व्यू देख रहे हैं। जैसे वहां जाने के बाद अपना लेफ्ट टर्न लेने के बाद में हमारी गाड़ी जैसे टर्न होगी, उसके बाद जो रास्ते के लिए हमें जाना है वो रास्ता, जब हमारी गाड़ी का व्यू सामना हिस्सा जब स्ट्रेट हो जाएगा, जितना घुमाए उतना वापस लेके फिर क्या करना है? फिर लॉन्ग व्यू देखना है, फिर शॉर्ट व्यू देखे तो फिर गाड़ी ऐसे ऐसे होगी, किधर जा रही है नहीं पता चलेगा। तो टर्निंग के टाइम ही शॉर्ट व्यू, उसके बाद फिर इमीडिएटली हमें लॉन्ग व्यू देख के वो व्यू को सेट करके फिर कार को स्ट्रेट लेके जाना है। ठीक है, अब ये स्टीयरिंग में यहाँ पे एक मसला आ जाता है कि भाई एक लेफ्ट टर्न कैसे लेना है, एक राइट टर्न कैसे लेना है और स्टीयरिंग को कैसे घुमाना है एक यू टर्न लेने के टाइम पे। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे करते हैं, ये गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी जितना घूमना चाहिए, क्योंकि हमारी जो रोड्स होती है यहाँ पे एक ही साथ में जाके घूमना रहता है ना, तो हम जब ये घुमा रहे हैं तो कार की जो टायर होती है एक ही साथ में ऐसे घूम के फिर जाने वाले रास्ते को स्ट्रेट होना है।
अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होएगा, वो ऐसे ऐसे आगे घूम नहीं पाएगी, साइड में लग जाएगी, फिर आपके साथ ही कोई बंदा टर्न ले रहा है तो उसको लग जाएगी। तो करना क्या है हमें, पहले तो सीखना है हमें, ये हमारे जो हाथ हैं, जैसे एक लेफ्ट टर्न लेना है तो कौन सा हाथ पहले चलेगा हमारा, राइट हैंड चलेगा। ओके, जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो पहले चलेगा, माइंड में हमें बिठा के रखना। एक लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो राइट हैंड पहले चलेगा और लेफ्ट को लाके दे देगा, ठीक है। अगर एक राइट हैंड हम राइट टर्न एक ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पहले चलेगा और राइट को लाके दे देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, देखो ये आ रहा है, इसे दे दे रहा है, फिर वापस चला जा रहा है, ठीक है। इस तरफ घुमा रहे हैं, ये ला रहा है और इसे दे रहा है, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज आती है, ये टर्निंग की जगह पे ही वन एंड हाफ घुमाओ करके बोलते हैं, है ना इंस्ट्रक्टर, बोलते हैं ना आपको वन एंड हाफ घुमा लो टर्निंग के पास में। तो अब ये वन एंड हाफ समझ नहीं आता, थोड़े लोग को समझ में आता है, थोड़े लोग को समझ में नहीं आता। अब ये है ना, ये हो गया वन एंड ये हो गया हाफ, ये वन एंड हाफ डन, ऐसे वाले टायर ऐसे हो गए, ठीक है। फिर जब वापस आप टर्निंग ले लिए, क्या करना है, वन एंड हाफ स्ट्रेट हो गए, ठीक है। अब टर्न लेने के बाद में हम जाने वाली रोड पे हमारी गाड़ी कैसे सीधी हुई है, कैसे पता चलेगा हमें, सेम वही फॉर्मूला, वन एंड हाफ वाला फॉर्मूला। अब ये टर्निंग है, अब यहां से आप देख रहे हैं हमारी कार यहां से आ रही है, ठीक है। यहां से आने के बाद में जब टर्न ले रहे हैं, यहां पे ये टर्न ले रहे हैं, तो हमारी कार का जो ये सामने वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा कब सीधा होएगा हमारा, इस तरह से। तो जाने वाली रोड से ये हिस्सा जब सीधा हो जाएगा, वन एंड हाफ रिटर्न ले लेना है। अब यहां से आपने वन एंड हाफ घुमाया है, ये टर्न ले रहे हैं, अभी सीधी हुई गाड़ी नहीं हुई ना, कहां पे हो रही है, इस जगह पे आने के बाद यहां पे सीधी हो रही है। अब वन एंड हाफ रिटर्न लेके हमें सीधी लेना है। तो ये टर्न लेने के टाइम पे आपको पता चलेगा गाड़ी का व्यू इधर है, अब ये टर्न हो रहा है तो व्यू इस तरह से टर्न हो रहा है, सीधे वापस हमें ले लेना है, इस चीज को देखना है। सामने हम जब टर्न कर रहे हैं, इस चीज को देखते हुए हमारा व्यू जब स्ट्रेट हो जाएगा, उसके बाद वन एंड हाफ रिटर्न ले लेना है। जैसे यू टर्न भी मारते हैं हम, यू टर्न मारने के टाइम पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी ये रो में आ जाते हैं, कभी ये रो में आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, शॉर्ट व्यू में रहते हैं। इसके लिए जब टर्न होने के बाद में वो रो कंटिन्यू हो जाएगा, तो आपको स्ट्रेट देख के उसी रो को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और यहीं पे आप देखेंगे स्टीयरिंग को गलत पकड़ के ड्राइव करने का तरीका, गलत पकड़ के ड्राइव करने का तरीका का मतलब ये है कि आप अगर गलत पकड़ के स्टीयरिंग को टर्न कर रहे हैं, उस बीच में अगर एयर बैग ओपन हो जाएगा तो आपके हाथ के दोनों पीस हो सकते हैं। अब ये स्टीयरिंग में देख रहे हैं ना, ये जो बंदा पकड़ के चला रहा है ये गलत है। बहुत से लोग टर्न मारने के टाइम इस तरह से पकड़ते हैं ताकि ग्रिप आए, ऊपर से ही पकड़ के घुमाना है। अब जहां पे फोर्ट लिखा है ना, बीच का हिस्सा, वहां पे एयर बैग होता है अंदर की तरफ। अब इस तरह से अगर आप पकड़ के चला रहे हैं, जो वो एयर बैग के प्लेस में आपका हाथ आया है ना, जहां पे आड़ा आया है, सेंटर में यहां लग रहा है, ठीक है। तो ये एयर बैग कैसे ओपन होता है, एयर बैग जो है ना, इस बम्पर के नीचे के हिस्से में एयर बैग के सेंसर लगे रहते हैं, कोई भी चीज ठुक जाए या नीचे ऐसे लग जाए तो एयर बैग अंदर से ओपन हो जाएगा। तो एयर बैग जब ओपन होता है तो अगर आप हाथ अंदर से लॉक करेंगे तो एयर बैग यहां पे लगता है। तो ये जो एयर बैग के अंदर से बाहर आने की जो स्पीड होती है 250 किलोमीटर पर आर की स्पीड से बाहर निकलता है। तो जब वो अंदर से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, बोन को आपको फ्रैक्चर कर देगा। कैसे फ्रैक्चर करेगा, यहां पे सपोर्ट है और ये अंदर से लॉक किया हुआ है, यहां पे लगेगा, जब यहां पे लगेगा तो ये दो पीस हो जाएगा और स्किन के ऊपर लटक के रहेगा। अगर आप ऊपर की तरफ से अगर हाथ पकड़ के रखेंगे, जैसे आपके हाथ पे एयर बैग लगेगा दोनों हाथ पीछे की तरफ जाएंगे, आप सामने गुजरोगे, राइट। तो इस तरह से कभी भी अंदर की तरफ से लॉक नहीं करना है। और यहीं पे आप देखेंगे कि कार चलाने के टाइम आप देखेंगे तो स्टीयरिंग के एकदम राइट हैंड के नीचे आपको कौन सी स्टिक होती है, क्रॉस में इंडिकेटर वाली स्टिक होती है ना। इंडिकेटर वाली स्टिक क्या ऐसे स्ट्रेट रहती है, नहीं रहती है ना, ऊपर की तरफ बेंड रहती है। अगर आप यहां हाथ रख के अगर उसको दो फिंगर को ऐसे करेंगे तो आपके हाथ में टच होती है ना,
तो हम जब इंडिकेटर डालते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हाथ छोड़ के वहां जाके हाथ से पकड़ के डालते हैं, ये गलत है, हाथ को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो कभी भी हमें डालना है, गलत इंडिकेटर भी डालने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि हमें सीखना है। ये दो फिंगर में एक फिंगर है, कौन सी है, राइट इंडिकेटर, ये फिंगर है लेफ्ट इंडिकेटर। जैसे आपको लेफ्ट जाना है, यहां से फिंगर ऐसे करो लेफ्ट डालो, जहां आपको राइट जाना है ये फिंगर को ऐसे करो राइट डालो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, कभी रॉन्ग इंडिकेटर नहीं होएगा, क्योंकि 100 मीटर पहले ही आपको साइन बोर्ड दिखा देता है कि आगे जाने बाद में लेफ्ट है या राइट है। आप देखें साइन बोर्ड के, मुझे लेफ्ट जाना है, तो आप यहां से क्या कर रहे हैं, लेफ्ट, और यहीं से आप राइट कर रहे हैं, डन। और इसी तरीके से कार सीखने के टाइम पे बहुत से लोग कार के स्टीयरिंग को बहुत दबा के पकड़ लेते हैं और पूरा स्पेट आ जाता है लोग। अब क्यों इस तरह, गलती उनकी नहीं है, माइंड सेट ऐसे हो जाता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये घूम जाएगी, मन में वो डर रहता है लोग, इसके लिए क्या करते हैं, दबा के पकड़ लेते हैं। अब जब इतना टाइट पकड़ोगे तो मूवमेंट नहीं पता चलेगा, वो गाड़ी किस तरफ को जा रही है, किस तरफ को करना है नहीं पता चलेगा। पूरी कार ड्राइव करने में आपको एक रोज फ्लावर को पकड़ने की जितनी ताकत चाहिए उतनी ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ओनली एक रोज फ्लावर को पकड़ने की। ज्यादा ताकत कब चाहिए हमें, प्रेशर ज्यादा कब लगता है कार चलाने में, टर्न में भी एक फिंगर से ऐसा लगाएंगे तो ईपीएस इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग आ गई है अभी, वो कौन सी मैनुअल है अभी। कहां पे हमें ज्यादा प्रेशर लगता है, टायर स्टेपनी चेंज करने के टाइम, मार वो पंचर वाले ने मशीन लगा के टाइट कर देता है, वो खोलने के लिए हमें ज्यादा लगती है। लेकिन पूरी गाड़ी ड्राइव करने के टाइम पे आपको सिर्फ रोज फ्लावर को पकड़ने के, ऐसे करेंगे तो आ जाता है ना, कोई बंदा टाइट पकड़ता है यहाँ पे नहीं आता ना, आप रोज फ्लावर कोई पकड़ा है उसके हाथ से ऐसे आसानी से खींच सकते हैं आप, है ना, उतना ही जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे फॉर्मूला और फंडा हम समझेंगे। देखो जब तक आप हाथ लगा के नहीं घुमाओगे तब तक नहीं घुमेंगे, है ना। एक गाड़ी अगर लेफ्ट जा रही है हम लेफ्ट टर्न करके छोड़ देंगे तो भग से वो आ जाना चाहिए ना, नहीं आती है, हम हाथ से करेंगे तो वापस धीरे धीरे आती रहती है। तो ये यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी गाड़ी ड्राइव करते हैं जब तक हम हाथ लगा के नहीं घुमाएंगे तब तक नहीं आता है। जिनके मन में डर है वो लोग क्या कीजिए, दोनों हाथ हटा दो उसके स्टीयरिंग से, जिनके मन में डर है दोनों हाथ हटा दो, दोनों हाथ हटा के क्या करो, कार को फर्स्ट गियर लगाओ, फर्स्ट गियर लगा के क्या करना है, क्लच को रिलीज करके, क्लच को रिलीज करके कार को आगे की तरफ जाने दो, उसका आगे की तरफ जाने दो। क्लच को जब छोड़ के आप आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है, दोनों हाथ आपके हटे हुए हैं स्टीयरिंग के पास से, तो जब आप कार को आगे ले जा रहे हैं, कार थोड़ी देर जाने के बाद में ऐसे साइड में जानी स्टार्ट होती है, हाथ आपके हटे हुए हैं, स्टीयरिंग अपने आप लेफ्ट को जा रही है, जस्ट टू फिंगर से आप इसको पकड़ के ऐसे सीधी कर, फिर कार आपकी सीधी जाएगी। अगर फिर कहीं राइट को जा रही है तो फिर टू फिंगर लगा के ऐसे करो, जब तक हम हाथ लगा के नहीं घुमाएंगे तब तक कार कहीं नहीं जाती। तो माइंड में सेट रहता है कि वो लोग के भाई मैं छोड़ दूंगी तो ये घूम जाएगा या छोड़ दूंगा तो ये घूम जाएगा, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, टाइट पकड़े रहते हैं। और गियर डालने का भी तरीका है, गियर में भी आप टाइट पकड़ के नहीं डालें, जितना टाइट पकड़ोगे रॉन्ग गियर गिरेगा। सेम ऐसे रोज फ्लावर को हम कैसे पकड़ते हैं उसी हिसाब से हम पकड़ के इसको डालना है, प्रेशर की कहीं पे भी हमें उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो हमें टर्निंग का पता चल गया है ना, ये व्यू हमारा जब स्ट्रेट हो जाएगा, हमारी गाड़ी का फेस जब स्ट्रेट हो जाएगा तभी हमारे को सीधी हमारी गाड़ी जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमें एक मैनुअल गियर में, मैनुअल व्हीकल्स में क्या होता है, मैनुअल व्हीकल्स के गियर पैडल्स किस तरह से होते हैं, एक होता है एक्सीलेटर, एक होता है ब्रेक और एक होता है क्लच। और यहाँ पे एएमटी में अगर आप हम आ जाएंगे तो यहाँ पे एक होता है एक्सीलेटर और एक होता है ब्रेक, ब्रेक जो कि बड़ा होता है थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे इन चीजों को हम कैसे ऑपरेट करना चाहिए, अब आप देखेंगे यहाँ पे बहुत से लोग लेफ्ट लेग से ब्रेक को दबा देना ऐसे करते रहते हैं, जब नए नए हम लोग सीखते हैं।
तो लेफ्ट लेग हमारा होता है ओनली फॉर क्लच है, ठीक है। क्लच से क्लच हम किस तरह से ऑपरेट करना है आप सीखे हैं, उसमें एक और पॉइंट है वो अभी सीखेंगे हम लोग। अब ये राइट लेग को कैसे यूज करना है बहुत से लोग को पता नहीं रहता। हम तो रोड पे देखते हैं ना कि हमारे साथ में चलने वाला है क्या करता, बाजू वाले हमसे आगे निकल जाता है और सामने जो ठहरे रहते हैं उनको सबको ठोकते हुए चला जाता है। तो वहां क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हम लोग बोले ना ब्रेक के बदले एक्सीलेटर दबा रहा है। क्यों इस तरह से दबा रहा है, वो गलत ड्राइव करने की वजह से, और उसका फुट जो है वो सही पोजीशन पे नहीं रहने की वजह से हो रहा है। तो जब कभी भी आप राइट लेग अपना ड्राइव करने के लिए रखते हैं एक मैनुअल कार में, तो आपको इस तरह से व्यू टाइप में रखना है। वी कैसे, एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में आपका हील आना है, यहां से एक्सीलेटर यूज हो रहा है और यहां से ब्रेक यूज हो रहा है। एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक, हम एक्सीलेटर दे रहे हैं जब ब्रेक की जरूरत है, यहां से उठ गया पैर यहां आ गया। अगर आप डायरेक्ट रखोगे, गाड़ी आगे रुक रही है तो आप पहले उसको देखोगे, रियलाइज करोगे, उसके बाद में आपको दिमाग में आएगा कि भाई मैं मुझे पैर उठाना है और रखना है, यहां इतनी देर में गाड़ी टूट जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें वी टाइप में रखना है। यहां पे आ गया ऑब्जेक्ट, सामने आ गया कहां, ब्रेक के पास आ गया, जरूरत है तो ब्रेक यूज कर रहे हैं, जरूरत नहीं है तो वापस यहां चले जाते हैं, इमीडिएटली ऐसे फंक्शन होएगा। इसी हिसाब से क्लच जो है हमारा, क्लच वहीं पे रहता है, तो जब चाहिए आप दबा रहे हैं, जब चाहिए आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे हम एक्सीलेटर को किस तरह से यूज कर रहे हैं, एक्सीलेटर को क्या हम इस तरह से दबाते हैं, नहीं दबाते हैं, कैसे दबाते हैं हम लोग, धीरे धीरे से दबाते हैं। धीरे धीरे दबाने का मतलब क्या है, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं आप, है ना। किस तरह से करते हैं हम लोग, ये एक्सीलेटर है, इसको हम इस तरह से दबा रहे हैं, हमारी स्पीड बढ़ रही है, हमें लग रहा है कि स्पीड ज्यादा हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं। जब हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो क्या होती है, गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। जो स्पीड कम हो रही है इसको बोलते हैं थर्ड ब्रेक, जो स्पीड जो कम हो रही है उसको बोलते हैं थर्ड ब्रेक। और हमेशा अच्छे ड्राइवर की पहचान है थर्ड ब्रेक को यूज करके गाड़ी को चलाना है। वो कब करेगा, उसका फुल कॉन्सेंट्रेशन रोड पे रहेगा तो ही थर्ड ब्रेक यूज करेगा। आपको एक्चुअल ब्रेक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी गाड़ी ड्राइव करने में। देख रहे हैं आप यहां से चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट कोई क्रॉस कर रहा है या कोई आके हमारी लाइन में मर्ज हो रहा है या एक लाइन से दूसरी लाइन में आ रहा है, तो आप अपनी बड़ी वाली स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी स्पीड कम होगी उसमें वो आके मर्ज होगा, उसके बाद वो चला जाएगा। आप अपने गैप को देख के यहां से एक्सीलेटर दे के आप जा सकते हैं, ना गियर चेंज करना है, ना क्लच दबाना है, ना ब्रेक करना है कि नहीं। इसी हिसाब से ब्रेक को कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, ब्रेक भी एक्सीलेटर जैसा ही यूज करना है, ब्रेक को भी एक्सीलेटर जैसा यूज करना है। यहां पे क्या कर रहे हैं, हमारी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, और यहां ब्रेक से हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी वाली स्पीड को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, एकदम से ब्रेक नहीं है, धीरे से ब्रेक है ऐसे। तो मान लो कि मुझे वहां पे आके रुकना है, वो कॉर्नर पे आके रुकना है, तो मैं यहां वहां जाने के बाद धड़ल से ब्रेक नहीं करना, यहीं से मैं अपनी स्पीड को कम करना है, उस जगह आने के बाद पूरा ब्रेक करना है, तभी आपकी गाड़ी स्मूथ जाके वहां रुकेगी और अंदर जो बैठे वाले पैसेंजर है वो ऐसे नहीं होंगे। जिन गाड़ियों में ऐसे होते हैं वो गलत ड्राइवर है, बैठे वाला जो बंदा है वो ऐसे नहीं होना चाहिए। आराम से यहां से आप ब्रेक करते हुए वो वहां जगह पे पहुंचने के बाद जब कंप्लीट ब्रेक हो रहा है, जो बैठा है जैसे वैसे ही बैठा होना चाहिए, वो अच्छी ड्राइविंग की पहचान है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पे देखेंगे आप क्लच, फर्स्ट गियर में हमें क्लच में प्रॉब्लम हो जाता है कि फर्स्ट गियर में गाड़ी बंद पड़ जाती है। क्यों बंद पड़ रही है गाड़ी, क्लच को सही छोड़ने नहीं आ रहा है, इसके लिए बंद पड़ रही है। तो सबसे पहले हमें कार स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, ब्रेक और क्लच दबा के कार को स्टार्ट करना है। जहां कहें भी मैनुअल कार को आप ड्राइव कर रहे हैं, क्लच और ब्रेक दबा के स्टार्ट करना है। जब गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट गियर आप लगा रहे हैं, तो तुरंत सब लोग क्या करते हैं, ब्रेक को छोड़ के एक्सीलेटर के पास जाते हैं, है ना, ये गलती करते हैं। तब क्या होता है, कार पीछे आना स्टार्ट हो जाती है अगर अप में रहेगी तो ये गलती नहीं करना है हमें। यहाँ पे ब्रेक अभी जरूरत नहीं है हमें, एक्सीलेटर अभी जरूरत नहीं है, ब्रेक को छोड़ना नहीं है, ब्रेक दबा के रखना है आपको। धीरे धीरे क्या करना है, क्लच को रिलीज करना है। क्लच को जब रिलीज करोगे आप, क्लच एक पॉइंट में आने के बाद आपकी कार खुद आपको बताएगी कि मुझे अब ब्रेक छोड़ा आगे जाना है,
जब आप क्लच को रिलीज कर रहे हैं, क्लच पॉइंट आने के बाद में कार में एक वाइब्रेशन स्टार्ट होगा इससे। जब वाइब्रेशन स्टार्ट होता है तो आप क्लच को होल्ड कर देना है वहीं पे, ना दबाना है ना छोड़ना है, क्लच को वहीं पे होल्ड कर दो। उसके बाद क्या करना है, ब्रेक को छोड़ो। ब्रेक को जैसे छोड़ेंगे एक इंच भी कार पीछे नहीं आएगी, आगे को ही जाएगी। फिर रोकना है आपको गाड़ी को, तो क्लच हिलाना नहीं है, डायरेक्ट ब्रेक करो कार रुक जाएगी। फिर ब्रेक को छोड़ो कार आगे जाएगी, फिर ब्रेक को दबाओ कार रुक जाएगी, फिर ब्रेक को छोड़ो कार आगे जाएगी। ऐसे कहां तक चलाना है आपको, जहां तक आपको रोड क्लियर ना होए इसी तरीके से चलाना। जैसे सिग्नल के पास में हो जाओ, हैवी ट्रैफिक जाम में हो जाओ, या फिर अप में हो जाओ। डाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउन में अपने आप आगे चली जाती है, अप में ही ये आपको फॉर्मूला काम आता है। सिग्नल्स के पास में, ट्रैफिक जाम में, इसको बोलते हैं हाफ क्लच। ठीक है, हमेशा इस तरह से चलाना है। अब ड्राइविंग करने के टाइम पे कभी इंस्ट्रक्टर बोलते हैं ब्रेक पहले लगाओ बाद में क्लच लगाओ, है ना, कभी बोलते हैं क्लच पहले लगाओ बाद में ब्रेक लगाओ, ये फंडा समझ में नहीं आता। तो जब आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी 180, 70, 60, 50 तक रहेगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी हम लोग सीखे ना ब्रेक, गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना है, और जब आपकी स्पीड कम हो जाएगी क्लच दबा के फिर ब्रेक करना है। जब स्पीड ज्यादा रहेगी सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पीड को कंट्रोल करना है, फिर क्लच दबाना है, उसके बाद ब्रेक लगाना है। जब आपकी स्पीड कम रहेगी 40, 30, 20, 10 रहेगी, पहले क्लच दबाना है बाद में ब्रेक लगाना है। स्पीड ज्यादा रहेगी पहले ब्रेक से गाड़ी को कंट्रोल करके क्लच दबा के कंप्लीट ब्रेक करना है। जब स्पीड कम रहेगी हमारी पहले क्लच करना है बाद में ब्रेक करना है। अब यहाँ पे क्यों इस तरह से कर रहे हैं, आखिर क्लच क्यों दबा रहे हैं हम लोग, ये चीज समझते हैं। ये है इंजन, ठीक है, ये है गियर बॉक्स। ये इंजन गियर बॉक्स को खींचते रहता है आगे की तरफ। जब कार स्टार्ट होती है फर्स्ट गियर लगाते हैं, क्लच छोड़ते हैं, अब तो ये कार को ऐसे इंजन खींचते रहता है आगे। क्लच दबाने का मतलब क्या है, ये छोड़ देता है, तो यहाँ इंजन ऑन रहेगा, ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे गाड़ी बंद क्यों पड़ती है, हम देखे ना कि डायरेक्ट ब्रेक कर देंगे तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी बिना क्लच के, तो क्यों बंद पड़ती है, ये इंजन जो है ना इसको खींचते रहता है और आप उसे जाने नहीं देते हैं ब्रेक करते हुए, और इसकी जब तक कैपेसिटी रहेगी इंजन की खींचने की तब तक खींचेगा, उसके बाद पड़ोस करके बंद पड़ जाएगा इसकी जब कैसे कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। इसके लिए हम लोग जब स्लो हमारी स्पीड रहती है जब क्या करते हैं, पहले क्लच दबा के उसके बाद क्या करते हैं, पूरा ब्रेक करते हैं। तो क्लच क्यों दबा रहे हैं, इसको खींचने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें रुकना है, तो क्या कर रहे हैं, इसको छुड़वा रहे हैं यहाँ पे क्लच छोड़ के दबा के, तो ये रुक जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में फिर जब जाना है आप, फिर धीरे से जब क्लच छोड़ रहे हैं फिर ये अपना खींचना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये है, जब स्पीड ज्यादा रहेगी पहले ब्रेक से कंट्रोल करना है, उसके बाद क्लच दबा के ब्रेक करना है, जब स्पीड कम रहेगी पहले क्लच रहेगा उसके बाद ब्रेक रहेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक मैनुअल का, एक ऑटो ट्रांसमिशन, मैनुअल तो हो गया, अभी ऑटो ट्रांसमिशन। ऑटो ट्रांसमिशन में क्या है, बिना ब्रेक दबाए के आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी, बिना ब्रेक दबाए के आपकी गाड़ी रुकेगी भी नहीं, बिना ब्रेक दबाए के आपकी गाड़ी का गियर भी नहीं चेंज होगा। इसका हर चीज रिलेटेड है ब्रेक से, और इस गाड़ी से इस गाड़ी को अगर कंपेयर करेंगे ये बहुत डेलिकेट होते हैं। ठीक है, बहुत से लोग फ्री में सजेशन दे देते हैं, तो मैनुअल सीख ले, ऑटो ट्रांसमिशन आराम से चला ले, ये गलत है। एक्सपेरिमेंट करना गाड़ी को खराब करना, सही है क्या, एक्सपेरिमेंट करना गाड़ी को खराब करना। मैनुअल सीख लिए और उसके बाद ऑटो ट्रांसमिशन लाए शोरूम से, दूसरे दिन निकाले, धड़ाल से गियर लगा दिए या धड़ाल से ब्रेक मार दिए तो पीछे वाला घुस जाएगा। क्यों क्यों घुसेगा, यहाँ पे 2 फुट कंट्रोल है आपके और यहाँ पे 1 फुट कंट्रोल है, तो आपका लेफ्ट लेग रेस्ट में रहेगा, लेकिन आपको चलाने की आदत रहेगी क्लच वाली गाड़ी, तो आप लेफ्ट लेग से क्या दबाओगे और वो किस तरह से दबाओगे, क्लच जैसा, जब लगाओगे तो जगह पे रुकेगी, पीछे वाला आपके ऊपर से चला जाएगा, राइट, सही है कि नहीं। तो एक ऑटो ट्रांसमिशन और मैनुअल का बहुत फर्क रहता है, इसके लिए अगर ऑटो ट्रांसमिशन ले रहे हैं, खरीद रहे हैं आप, उसी गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, तो ऑटो ट्रांसमिशन सीखना है, उसके बाद ही चलाना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जान का जोखिम में डालना रहता है वो एक्सपेरिमेंट का। ओके,
यहाँ पे कैसा है, ब्रेक दबाए कार स्टार्ट कर दिए और ब्रेक दबा हुआ रहता है, गियर को आप चेंज कर दिए। यहाँ पे रनिंग में आप गियर चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे कार का टायर जब रुकेगा तभी गियर लगेगा, कितना डिफरेंस है देखो। और यहाँ ब्रेक आप नॉर्मली ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जस्ट ऐसे टच करेंगे तो गाड़ी ऐसे झूमती है, इतना डेलिकेट होता है, ठीक है। ये हो गया, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गियर, एक मैनुअल गियर, ऑटो ट्रांसमिशन गियर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हो गए हमारे मैनुअल गियर्स, है ना, ये हो गया हमारा ऑटो ट्रांसमिशन, ठीक है। अब यहाँ क्लच के साथ में हमारे गियर बदलते हैं, यहाँ पे ब्रेक के साथ में गियर बदलते हैं, यहाँ रनिंग में गियर बदल रहे हैं और यहाँ पे गाड़ी पूरी रुकने के बाद ही गियर बदल रहे हैं। दोनों का टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा अलग है। अब यहाँ पे देखेंगे हम एक मैनुअल गियर को कैसे हम चेंज करना है। बहुत बार हमसे गलती हो जाती है ना, थर्ड गियर डालो बोले तो क्या डालते हैं आप लोग, है ना, और उसके बाद में सेकंड डालो बोले तो फोर्थ डालते हैं, क्यों हो रहा है। और इंस्ट्रक्टर बोलेंगे सर मैडम गियर चेंज करो, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन छोड़ के ऐसे करते हैं, है क्या, तो क्यों कर रहे हैं ऐसे, अब बताओ क्यों देख रहे हैं इधर। कार में देख के चलाना है हमें, नहीं देख के चलाना है। कार में क्या देखना है, हाफ सेकंड के लिए रियर व्यू मिरर देखना है, क्लस्टर देखना है हाफ सेकंड के लिए, जस्ट चला रहे हैं हम लोग, पीछे की ट्रैफिक का एक्टिविटीज क्या है, ठीक है। दूसरा है हमारी कार में कोई वार्निंग साइंस तो नहीं आ रहे, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। बहुत से लोग बार बार साइड व्यू मिरर्स भी देखते हैं, अगर आप एक लेन ड्राइव कर रहे हैं तो आपको साइड व्यू मिरर भी देखने की जरूरत नहीं। साइड व्यू मिरर कब देखना है आपको, राइट से अगर लेफ्ट को आ रहे हैं तो लेफ्ट वाला मिरर देखना है, लेफ्ट से अगर राइट को आ रहे हैं तो राइट वाला मिरर देखना है, बार बार नहीं देखना, खाली पीछे की ट्रैफिक को ऑब्जर्व करना है, आपके पीछे कौन है, ठीक है, आप देख रहे हैं, ओके। अगर लेन चेंज कर रहे हैं तो तभी आप मिरर, बहुत से लोग को मैं देखता हूँ, कैम्स लगे रहते हैं ना कार में, बहुत से लोग को देखता हूँ और वॉइस के जरिए मैं उनको वॉइस कमांड है ना उसके अंदर भिजाता हूँ, तो ऐसे जरूरत नहीं है, विजन डिस्टर्ब हो रहा है आपका, फिर गाड़ी ऐसे ऐसे जाना स्टार्ट होती है, आपको सामने ही देख के चलाना है। बहुत से लोग की आदत रहती है पीछे वाले बात कर रहे हैं तो ऐसे पलट के देख, विद इन सेकंड में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा सामने, क्योंकि हमारी जो रोड्स है साइड में वॉल्स बने हुए यानी तो ग्रिल्स बने हुए नहीं है, कुत्ता भी आ सकता है, बिल्ली भी आ सकता है, भैंसा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आदमी भी आ सकते हैं, फिर भी जानवर फिर भी रोड के बीच में ठहर के सोच के उसके बाद में जा रहे हैं, इंसान तो वो भी नहीं सोच रहे, ऐसे करके चला जाएगा, उसके पास ब्रेक है, ब्रेक तो है भैया, अगर ब्रेक नहीं काम करेगा तो तुम्हारा हाल क्या होगा, है कि नहीं, तो समझ के यहाँ पे चलाना है हमें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्यों हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, याद रखो ये गाड़ी हम जब ड्राइव करने के टाइम पे कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं, ये हमारा हाथ यहाँ पे होता है, ठीक है, और उसके बाद ये गियर चेंज करने के टाइम पे हम यहाँ पे लाते हैं। अब देखो यहाँ से जब हाथ यहाँ आ रहा है तो आपका ये हाथ भी हिलेगा, तो ये टाइट नहीं पकड़ना है, फ्री पकड़ना है, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ आ गए, ठीक है, इस गियर लीवर को पीछे की तरफ दबा के देख रहे हो, अगर पीछे नहीं जा रहा है तो आप कौन सी गियर में है जैसा, अब बताओ न्यूट्रल किस तरफ होएगा, वन स्टेप अप, इसके लिए आप यहाँ देख रहे हो, राइट, इस चीज के लिए ही आप यहाँ देख रहे हो, तो देखना नहीं है, हाथ यहाँ रखे ऐसे किए, ओके, नहीं मैं डाउन गियर में हूँ, अब ये एक स्टेप ऊपर को न्यूट्रल होएगा, उसके बाद कहाँ जाना है आपको मालूम, ठीक है। अब आगे की तरफ अगर की गियर में है तो गियर लीवर के ऊपर हाथ रख के आगे को ढकेल के देख रहे हो, नहीं जा रहे हो, ओके मैं अप गियर्स में हूँ, तो क्या करना है, वन स्टेप डाउन, इस चीज के लिए ही हम यहाँ देख रहे हैं, नहीं देखना है अब कल से, हो गया क्लियर, अब कल अंदर देख के डालना ही नहीं है, ठीक है, बाहर की तरफ देखेंगे। अब यहाँ पे गलत गियर क्यों गिरता है, गलत गियर क्यों गिरता है, अब यहाँ पे देखो न्यूट्रल, न्यूट्रल पता है ना, हर गियर से गियर के बीच में न्यूट्रल आता है, राइट,
अब ये गियर लीवर को देखो, मैं इस तरफ ढकेल के छोड़ दिया हूँ, कहाँ आया, ये सेंटर आ गया। इस तरफ ढकेल के छोड़ा हूं तो सेंटर, ये सेंटर क्या होता है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आता है। इसको कौन से भी गियर से न्यूट्रल करके छोड़ देंगे तो ये अपने आप आके थर्ड एंड बीच में ठहर जाएगा। ये तो इसकी ऑलवेज प्लेस कौन सी होती है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में होती है। तो देखो ये फर्स्ट गियर की तरफ दबा के अब मैं इसे छोड़ दिया हूँ, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आके रुक गया। अब मैं इसको फिफ्थ गियर की तरफ दबा के छोड़ दिया हूँ, ये कहाँ आके रुका है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आके। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पूरा क्या है, ये न्यूट्रल है। तो अब फर्स्ट गियर किस तरह से लगाएं, ठीक है। अब ये फर्स्ट गियर कैसे लगा रहे हैं, हम हाथ इसके ऊपर रख रहे हैं, ये दबाएं और ये फर्स्ट गियर लगाएं, बढ़िया हो गया। अब जब सेकंड गियर बोलेंगे तो क्या करेंगे, इसी जगह पे इसको इधर ढकेल के, है ना, जो जगह पे फर्स्ट है वहीं पे ऐसे ढकेल के क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रेट नीचे ले जाते हैं, आसान रहता है। चलो सेकंड गियर गिर गया। अब थर्ड गियर बोलेंगे तो क्या करते हैं, इसको ढूंढने लग जाते हैं पकड़ के, क्योंकि वो ऐसे आता है करके वो माइंड में रहता है वहां पे, तो उसको पकड़ के ढूंढने लगते हैं। ढूंढने लगते हैं तो क्या होता है, थोड़ा भी प्रेशर इधर रहेगा तो वो कहां जाएगा, फर्स्ट गियर में जा रहा है। तो यहां करना क्या चाहिए हमें, देखो थर्ड गियर से भी जब आप सेकंड गियर की मांग करते हैं, जब सेकंड गियर चाहिए आपको तो क्या करते हैं, सेकंड गियर का माइंड में क्या रहता है, हमें फर्स्ट गियर से कैसे डाले हम, उसी जगह पे ढकेल के ऐसे खींच दिए ना, तो वही माइंड में रहता है। वहां पे क्या करते हैं, दीवार पे ऐसे टच करके खींच देते हैं, तो वो क्या होता है, फोर्थ गियर में जाता है। तो डालने का तरीका क्या है, एक बार सीख लें तो कभी गलत गियर नहीं डालें। देखो ये हम फर्स्ट गियर डाले हैं, सेकंड गियर डालने के टाइम वहीं पे नहीं दबाना चाहिए, उसको न्यूट्रल करना है, प्रेस एंड सेकंड, फर्स्ट गियर से न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकंड। थर्ड गियर को क्या करना है, इसको पकड़ना नहीं है आप, ना राइट ना लेफ्ट, पहले हम सीखे ना, कोई भी गियर से इसको न्यूट्रल करेंगे तो वो कहां पहुंचेगा, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में। जस्ट इस जगह से आपको वन स्टेप, कहां आ गया ये, वन आ गया, वन सके सेकंड में, ये ऐसे करेंगे तो दौड़ के कहां भाग गया है, अपनी जगह पे आ गया थर्ड एंड फोर्थ के। एक और बार ऐसे, तो इसको धड़ेल से नहीं मारना है, ऐसे क्या करना है, वन स्टेप न्यूट्रल हो गया, वन स्टेप। अच्छे ड्राइवर की पहचान क्या है, एक गियर से दूसरा गियर डालने के टाइम बीच में हाफ सेकंड टाइम देना है, फर्स्ट गियर न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकंड, थर्ड फोर्थ। जब आप थर्ड गियर से सेकंड गियर आने की कोशिश कर रहे हैं, हम फर्स्ट गियर में सीखे हैं ना, फर्स्ट गियर में न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड, थर्ड गियर से जब सेकंड आना है आपको तो न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड की आदत हो जाएगी। तो आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या कोई हैं, आप नई कार खरीदे हैं, ऑफिस में गए, चल यार आज मैं तेरे को चाय वाली पार्टी दे दूंगा, चार आठ दस बैठ गए गाड़ी में, उसके बाद आप कार स्टार्ट कर रहे हैं, मार गियर अच्छे से करके लगा रहे हैं, तो बोलेंगे भैया रोक दे, हम ऑटो से आते हैं, तू जा वहां वेट कर, हम ऑटो से आ जाएंगे, है ना। तो हमको ड्राइविंग आती है या नहीं आती है वो कैसे हमको पता चलता है, हम जो परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हैं, आप जितना आराम से डाल रहे हैं गियर, जितना आराम से आप गाड़ी चला रहे हैं, उसको देख के वो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई आपको ड्राइविंग आती है या नहीं। और बार बार हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, जहाँ कंपलसरी है वहां पे ही हॉर्न बजाना है। बहुत से लोग, एक बंदा जाते रहता है मार पीछे से पी पी करते रहते हैं उसको, तुमको जाने का रास्ता है तुम चले जाओ, वो अपनी लेन में जा रहा है, खाली पीली उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, खुद भी स्ट्रेस में आ रहे हो। तो बार बार हॉर्न नहीं बजाना है, जहां कंपलसरी है वहीं पे हॉर्न को यूज करना है। देखे होंगे अदर कंट्रीज में आप हॉर्न मारे तो झगड़े पे आने केस कर देंगे, अपने पास ही वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसा यूज करते हैं उसको, बस। तो हॉर्न कभी भी नहीं बजाना चाहिए। तो ये हमें डाउट क्लियर हो गया है ना, अभी कल से हम लोग अंदर देख के गियर नहीं डालेंगे, बाहर देख के डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गियर को कैसे इंक्रीज करना है, अब देखो आप एक गियर को दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर, छठवां गियर और सेवंथ गियर भी है, आपको पता है ना चंद गाड़ियों में सेवंथ स्पीड भी गियर है। तो ये गियर कब चेंज करना है, डिजिटल मीटर्स आ गए हैं अभी, उसके अंदर आपको बताएगा एक गियर होते हैं सेकंड गियर बल्कि आरो ऊपर बताएगा, फिर उसके बाद में थर्ड गियर करके आरो ऊपर बताएगा। बार बार उसको देख के थोड़े नहीं डालते हैं लोग, मैन्युअली गाड़ी चलाना स्टार्ट करना है। आपकी गाड़ी में वो सिस्टम है, आपके फ्रेंड की गाड़ी में नहीं रहता तब अरे यार यहाँ नहीं दिखा रहा मुझे चलाना नहीं आता, ऐसे थोड़े नहीं होएगा, नहीं होएगा ना। तो क्या करना है हमें,
मैन्युअली चलाना सीखना है। कैसे? कार जब फर्स्ट गियर लगा के आप निकालते हैं, उसकी गियर की कैपेसिटी होने के बाद इंजन से एक रीड साउंड आता है, आपको क्या आता है, करता है, तो इंजन आपको इंडिकेट कर रहा है इस गियर के साथ मेरा मैच खत्म हो गया है, आप नेक्स्ट दूसरा वाला गियर डाल। जब दूसरा डालते हैं तो फिर उसकी कैपेसिटी होने के बाद रिवर्स साउंड देता है ना। ऐसे इसको आइडेंटिफाई करते हुए हम गियर बढ़ाना चाहिए। कब बढ़ा रहे हैं हम लोग? सीक्वेंसी गियर को चेंज करते हुए स्पीड को बढ़ा रहे हैं। अब आप एक फिफ्थ गियर में जा रहे हैं, उसके बाद आपने ब्रेक कर दिया गाड़ी को, आपकी स्पीड कम हो गई है, फिफ्थ से डायरेक्ट आप सेकंड में भी आ सकते हैं। गियर जब डाउन करना है फिफ्थ से सेकंड में आ सकते हैं स्पीड कम होने के बाद। जैसे आप फिफ्थ गियर में 80 की स्पीड से जा रहे थे, ब्रेक मारे 20-30 में आ गई है, तो आप कौन सा थर्ड गियर फोर्थ गियर लगाएंगे तो नहीं जाएगी, वहां पे कौन सा गियर चाहिए आपको? सेकंड ही चाहिए। तो बढ़ाना है गियर, तो फिर कैसे बढ़ाना है आपको? 1, 2, 3, 4 बढ़ाना है, और जब कम करना है तो ये करना है। क्लच का भी पेडल का जो एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन है, अगर आपका लेफ्ट लेग नीचे दबा हुआ है तो राइट लेग ऊपर होना चाहिए, लेफ्ट लेग आने के बाद ही राइट लेग नीचे को जाना है, फिर ये ऊपर जब आएगा ये नीचे जाना है, ये हमें हमेशा सीखना चाहिए। दोनों एक साथ दबाओगे तो कार खराब हो जाएगी, जिसमें आपका क्लच प्लेट चला जाएगा, माइलेज नहीं आएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें रहती है, हीट भी हो जाएगी गाड़ी, ठीक है? ये हमको समझ के चलाना है। ये तो क्लियर। रिवर्स गियर तो आपको तो पता है, कोई कोई रिवर्स यहाँ पे दे रहा है, कोई उधर दे रहा है, कोई अपनी जगह बदल रहा है, रिवर्स गियर में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि कार रुकने के टाइम हम गियर डालते हैं, राइट? नेक्स्ट देखेंगे ऑटो ट्रांसमिशन। ऑटो ट्रांसमिशन इस तरीके का होता है, अब आप देखेंगे तो इसके स्ट्रेट गियर होते हैं, इसमें कोई राइट लेफ्ट नहीं रहता है, स्ट्रेट गियर होते हैं। तो कार स्टार्ट कर दिए, ब्रेक दबाएं, आप पार्किंग मोड से गाड़ी को आप डी ड्राइव में लेके आनी, ब्रेक को छोड़ेंगे तो कार आगे जाना स्टार्ट हो जाती है। हैदराबाद सिकंदराबाद पूरा शाम तक घूम के आ जाओ, कहीं भी गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी, जैसा उसमें बंद पड़ती है, ओके? फिर आपको जहां पर रिवर्स लेना है वहां पे आप गाड़ी को रिवर्स मोड में डाल के रिवर्स ले सकते हैं, लेकिन याद रखना है कार रुकने के बाद ही डालना है गियर, चलती गाड़ी में नहीं डालना, ओके? अब फिर इसमें न्यूट्रल क्यों दिया है? जैसे आपकी गाड़ी फेल हो गई है कहीं पे, यानी आपको कहीं पे एसी में गाड़ी रोक के बहुत देर तक रुकना है, ब्रेक खींच के न्यूट्रल पोजीशन में रख के आपको करना है। अब इसमें क्या है, सेमी ऑटोमेटिक करके भी एक आती है, सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऐसे एक्स्ट्रा देता है, इसको आप ऑटो ट्रांसमिशन के जैसे भी ड्राइव कर सकते हो, मैनुअल के जैसे भी ड्राइव कर सकते हो। तो ये जो गियर लीवर रहता है उसको यहाँ लाके इसे प्लेस करेंगे और इधर माइनस रहेगा, माइनस तो आप एक्सीलेटर जब कम कर देते हो तो अपने आप माइनस हो जाता है, और जब एक्सीलेटर बढ़ाते हो तो आपको गियर शिफ्टर को जो है ना प्लस प्लस करेंगे तो वो इंक्रीज होते रहते हैं गियर मैन। लेकिन मैनुअल का मजा मैनुअल में है, ऑटो ट्रांसमिशन का ऑटो ट्रांसमिशन में ये उतना समझ में नहीं आता है। और दूसरी चीज एक होती है आईएमटी, आईएमटी एक होती है, आईएमटी में आप देखेंगे इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या रहता है, सब मैनुअल जैसा ही रहता है, नीचे सिर्फ दो पेडल आते हैं, क्लच नहीं रहता है। तो एक्सीलेटर छोड़ेंगे आप, फिर फर्स्ट गियर जैसे लगा रहे हैं वैसे फर्स्ट गियर लगाना है, फिर एक्सीलेटर देना है, फिर इंजन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, फिर एक्सीलेटर छोड़ना है, फिर सेकंड गियर चलना है, क्लच नहीं रहता, नीचे क्लच नहीं रहता, ऑटो ट्रांसमिशन जैसा रहता है लेकिन मैनुअल गियर डालना है उसके अंदर। मेरे आइडिया में तो यही खरीद लेना अच्छा है, कम से कम हमें क्लच तो मिलता है एक एक्स्ट्रा। तो ये इस हिसाब से हमें ड्राइव करना है, ठीक है? अब यहाँ पे हैंड ब्रेक वाली सिस्टम देखो, हैंड ब्रेक खींचने के टाइम तो आसानी से खींच देते हैं, है ना, डाउन करने के टाइम बटन प्रेस नहीं होता, तकलीफ होती रहती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है और ये कैसे काम करता है हमें सीखना है। पहले सबसे पहले आप देखेंगे हैंड ब्रेक खींचना तो कैसे खींचते हैं, नॉर्मली खींच देते हैं, डाउन करना है तो इस बटन को प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो अंदर की तरफ जाता नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको बटन प्रेस करके ऊपर की तरफ लेना, डाउन नहीं करना, ऊपर की तरफ लेंगे तो ठक से अंदर चला जाएगा, फिर उसके बाद कंप्लीटली आपको नीचे डाउन करना है। तो थोड़ी गाड़ियां ऐसी होती है जो के जो कंपनी बनाई है उसमें आपको वॉइस कमांड्स रहते हैं, योर हैंड ब्रेक इज एंगेज होते वॉइस कमांड आती है, लेकिन थोड़ी गाड़ियों में वॉइस कमांड नहीं रहेगा तो तब क्या होगा, ये वाली लाइट जल जाएगी जो लास्ट कॉर्नर में है ना, लो ब्रेक ऑयल एंड हैंड ब्रेक इंडिकेशन, मतलब हैंड ब्रेक आपका अप्लाई किया हुआ है। अगर हम हैंड ब्रेक अप्लाई करके कार चला लेंगे तो क्या होगा, हैंड ब्रेक ही तो है कार रोकने के लिए हम चलाएं,
अगर आप हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी को चला रहे हैं तो यहाँ पे आपकी गाड़ी में आग लग सकती है। हैंड ब्रेक कैसे काम करता है? चारों चक्के में नहीं काम करता है, ओनली पीछे के दो चक्के में काम करता है। इस तरह से ये वायर सिस्टम होता है जो कि केबल सिस्टम रहता है, जैसे हमारी बाइक में एक्सीलेटर और ब्रेक वाला सिस्टम जैसा केबल रहता है ऐसे रहता है। तो आप यहाँ से एंगेज करेंगे तो ये वाइट टाइट करके क्या करेंगे, पीछे के दोनों टायर में अप्लाई कर देंगे उसको, पीछे के दोनों टायर जाम रहेंगे ताकि कार आगे पीछे ना जाए। तो आप इसको भूल के चला रहे हैं तो इंजन का पावर ज्यादा रहता है तो जबरदस्ती इसको खींच ले जाएगा आगे, लेकिन पीछे के जब दोनों टायर जाम रहेंगे तो क्या होगा, थोड़ी दूर जाने के बाद ये पीछे के दोनों टायर में क्या होता है, आग लग जाएगा, रगड़ते रहता है, स्मोक आएगा, उसके बाद आग लगेगी। अब बताओ इसमें कार में डीजल फिल करने का या पेट्रोल फिल करने का पॉइंट कहाँ होता है? टायर के एकदम सामने, यहाँ पे दिख रहा है। इस टायर के पास आप ऐसे अंदर से तरफ देखेंगे तो एक पाइप देखेगा, यानी आप ऊपर से डाल रहे तो पाइप के जरिए टैंक में जाता है। तो यहाँ जो आग लगी है वो कहाँ लगेगी? टैंक के पाइप में लगेगी, पाइप लगने के बाद टैंक में लगेगी, उसके बाद गाड़ी में पीछे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमारी गाड़ी जब आगे चलती रहेगी तो एयर फ्लो सामने से ऐसे रहेगा तो आग पीछे की तरफ मारती रहेगी, आपको दिखेगी नहीं। जब तक आपको ओवरटेक करके कोई आके बोलेगा नहीं भाई पीछे आग लग रही है, धुआं आ रहा है, स्मोक आ रहा है, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। इस बीच में ब्लास्ट हो जाएगी तो फिर इंसान की जान जा सकती है। तो जब कभी भी आपको देख रहे हैं कि कार स्टार्ट कर रहे हैं, रनिंग गाड़ी में इस तरह की कोई लाइट जल रही है तो तुरंत ही आपको चेक कर लेना है भाई मैंने हैंड ब्रेक डाउन किया है कि नहीं, ठीक है। और ये लाइट दो बार में आती है, एक होता है वहां पे लिखा है ना नीचे, अगर कार स्टार्ट करके चलती में अगर ये लाइट आ रही है, आपका हैंड ब्रेक फिर भी डाउन है, फिर भी लाइट जल रही है, तो इसका मतलब क्या है, ब्रेक ऑयल का लेवल का, तो वो फ्लूड डाउन होने की वजह से क्या बता रहा है, जैसा फ्यूल का म्यूटर डाउन होने के टाइम पे फ्लूड डाउन होके बताता है ना, ऐसे बताता है। तो आपको वो लेवल कब कंप्लीट कर देंगे तो सही से कंप्लीट हो जाएगा।